बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हर परेशानी और हर मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त टाइम है तकरीबन साढ़े चार का टाइम है, तो ऐसे समझ लें कि शाम होने वाली है। और आज ये देख लें कि मौसम खासा गर्म रहा, अच्छा भी था, लेकिन क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, आज कोई काम नहीं किया और सिर्फ वही बात के कमरे की तलाश में रहे। तो प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, करम से और आपकी दुआओं से ये मसला भी हल हो गया है। लेकिन फ़ीस तो काफ़ी उसकी यानी कास्टली है, 15,000 यानी 15,000 में वो बना है। तो बच्चे इंशाल्लाह वहाँ रहेंगे, पैसे पूरे मांग रहे थे, बड़ी मिन्नत और समाजत यानी बड़ी जिद्दोजहद के बाद फिर वो माने हैं। तो इंशाल्लाह प्यारे दोस्तों, आज आपकी आंटी कुछ बना रही हैं, चलते हैं उनके पास। तो प्यारे बहन भाई, मौसम आज ऐसे देख लें कि खूबसूरत मौसम है। कपड़े धोने के बाद आपकी आंटी कुछ बना रही हैं, तो आप को दिखाते हैं कि क्या आज बना रही हैं। आज कुछ अच्छा ही बना रही होंगी, तो देखते हैं कि आज क्या सामान तैयार कर रही हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें जी, सामान तो बाहर नहीं निकाला, अभी थोड़ी देर बाद निकालेंगे। हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो क्या सारा दिन काम करते रहे, अभी फारिग हुए हैं, बच्चे सारे अभी आ गए हैं। हाँ तो जी, मैं आ भी, गए हैं अभी। मैं भी लोधरा गया था प्यारे दोस्तों, कुछ तो यानी कि पिक्चर्स बनवानी थी, यानी कि कलर करवाना था। हाँ, कलर पिक्चर निकलवानी थी कंप्यूटर से, बच्ची प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, तो ये देखें जी, ये है करेला। तो आज कुछ बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि अच्छी तो क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, मेरी अक्सर प्यारी बहनें कहती हैं कि आंटी एक महीना हो गया आपने कोई एक रेसिपी नहीं बनाई। तो आज फिर मैंने सोचा कि एक आध रेसिपी बना ही लूँ, तो मैं कोशिश तो करूँगी आप सबको बना कर दिखाऊँगी। तो आप सब ने मेरा साथ देना है और मेरी वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ और क्या क्या बना रही हूँ। हाँ जी, मसला वही है लकड़ी का। तो लकड़ी सर्दियों की इकट्ठी करनी है, तो फिर दूर जाकर मिली है लकड़ी, तो रास्ता मिल नहीं रहा, तो पर काफी ज्यादा परेशानी है रास्ते। जो ये तेरा दसो, ये जो कपास की लकड़ी होती है वो उसकी बात कर रही है। हाँ जी, क्योंकि अब कपास जो खत्म हो चुकी है ना, तो अब जो लकड़ी यानी कि घर घर में हर कोई ले आता है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। बेशक, तो ये लकड़ी तो होती है ना, ऐसे समझ लें कि कांटे वगैरह होते हैं, और जो कपास की लकड़ी होती है वो बहुत तेज होती है। हाँ जी, और वो कांटेदार नहीं होती, बिल्कुल ऐसे साफ होती है, तो सर्दियों से आराम से गुजर जाती है। मैंने इनको साफ कर लिया है अच्छी तरह, अब इनको मैं पानी में आधा घंटा भिगोंगी, फिर इसमें नमक डाल कर ना पानी डाल दूंगी, फिर आधा घंटा इनको छोड़ दूंगी ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो सके। तो फिर इनको बनाएंगे, पहले इसमें नमक डालते हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया है करेलों को, अब इनको पानी गर्म करके थोड़ा सा इनको उबालूंगी, हो सकता है अभी भी इनमें कड़वाहट हो, तो फिर इनको डालेंगे कढ़ाई में और फिर इनको तलेंगे, ये पानी उबल जाए, फिर मैं इसमें डालती हूँ। तो ये उबल चुके हैं, ये देखें मैंने इनको उबाल लिया है, अब इनको ठंडा करके ना फिर इनको तड़का लगाएंगे। तो फिर थोड़े ये गर्म हैं, थोड़े ये सख्त थे, तो मैंने इसलिए इनको उबाला ताकि इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए और फिर ये अच्छे तरीके से बन जाए। तो मैं कोशिश तो करूँगी कि अच्छे तरीके से बनाऊँ। ये देखें, ये थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें, और हाँ भैया
एक मैंने बना लिया है। तो प्यारे दोस्तों, आज मुकम्मल कारीगरी दिखाई जा रही है और मुझे भी नहीं बताया कि आज क्या बना रही हैं। तो आज देखते हैं कि आज कितने टेस्टी बनते हैं, क्योंकि आज डिफरेंट यानी मुख्तलिफ तरीके से बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से। पर इसको हाफ क्यों किया है यार, मुझे भी डरा दिया, ये क्या? अच्छा इसको क्या कहते, क्या है इसको? इसको भावरा करेला कहते हैं। भावरा करेला बना रहे हैं। भावरा करेला क्या होता है, मुझे इसकी समझ नहीं। इसको मेरे ख्याल में बांध कहते हैं। हाँ जी, बांध भी कहते हैं और भावरा भी कहते हैं। बांध करेले यानी बांध करेले, चलो बांध बांध ही सही। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको आपकी आटे, क्योंकि ये मिसाला पहले तैयार था। हाँ जी, मैंने पहले क्या तैयार करके रख लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम हो जाता है फिर। तो प्यारे दोस्तों, ये आज हम धागे वाला यानी कि ये ऐसे तो करो। अच्छा मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा करता हूँ। हाँ जी, कहीं जाल मत जाओ। हाँ चलो ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, ये है जी धागे वाला करेला। अच्छा, इसमें घी कम नहीं डाला आपने? कम था, ठीक है, ठीक है। दो 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 बनाते जाओ, तीन तीन। तो आज कीमे वाले करेले खाएंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आप भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं ये करेले। मेहनत तो लगती है ना, ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं लगती, मेहनत तो लगती है। सब कुछ बनाना पड़ता है, फिर बना करना, फिर तो ये फिर बनाओ है, मुकम्मल करो। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें कीमे वाले करेले तैयार हो गए हैं। बंद करेले, इनके कलर ऐसा आया है। हाँ जी, तो ये बेहतरीन तैयार हुए हैं, क्योंकि पांच मैं छह करेले लेकर आया था, आध किलो, तो एक करेला जो था वो पक्का निकला है, वो हमने यानी उसका बीज अंदर अंदर से पक्का था। हाँ जी, तो वो हमने नहीं बनाया और पांच करेले बनाए हैं। चलो ये एक बेहतरीन रेसिपी बनी है। हाँ जी, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और प्याज वगैरह जो ना, फिर प्याज वगैरह अलहदा बना कर ना सालन का, हाँ, तो फिर उसमें डाल कर भी आप खा सकते हैं, बनाकर बनाकर अच्छी तरह बनाकर खा सकते हैं। तो अब आपकी आंटी और मेरा है मुकाबला शुरू, क्योंकि मैं आपको मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि इनको बच्चे नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे कम अज कम, वो जब भी थोड़ा सा खाएंगे ये तो कड़वा है भाई। अब उन्हें कौन बताया कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें शामिल हैं। हाँ जी, और इसकी कितनी ताकत है, हालांकि वो उनको पता भी है कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स और विटामिन्स और क्या क्या शामिल है, लेकिन कहते नहीं है। एक घंटा हमारा मुँह कड़वा रहेगा। तो आपकी आंटी और मेरा मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतता है। तो टेस्ट करें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने तो नहीं खाना है, कितने 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 खाएंगे आप? आप खाएं ना ये। अच्छा, ये दो आपने खाने हैं और ये तीन मैं खाऊंगा, हैं? चलो टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज दसो, बिल्कुल कड़वा नहीं है, कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। तो इसको खाएंगे, रोटी के साथ खाते हैं क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैं अगर खाऊं तो पाँच मिनट लगाऊंगा, खा जाऊं? एक तो खाओ ना, एक तो खाओ ना, गर्म है ना अभी, अभी गर्म है, गर्म है, ठंडा हो जाए ना। तो ये धागा ऊपर से उतार लेना है आपने। हाँ जी, और ताकि धागा अंदर ना चला जाए। हाँ जी, इसको उतार खोल लेना है यानी कि। हाँ, धागा खोल लेना है और फिर इसको करना है टेस्ट। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये सारे खा लूँगा और आप देखती रह जाएंगी। आप तो टेस्ट करें ना। हाँ करो टेस्ट, बेहतरीन है। तो मैं ये खा जाऊँ, ज़रा भी कड़वे नहीं है। वाह क्या मजा आया। अच्छा आपने नहीं खाया, मैं तो खा गया हूँ ना, मैंने भी खा लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्यारे दोस्तों, ये हमारा मुकाबला था, मैं मुकाबला जीत गया हूँ। ये देखें, मेरी प्लेट खाली है और ये अभी इनके बचे हुए हैं, ये ज्यादती है। मैं मुकाबला जीत गया हूँ, ऐसे है ना। हाँ जी, चलो ठीक, चलो चलो, ये भी मैं खा, ये भी मैं खा लिया, मान लिया है ना, क्या बात है। तो प्यारे दोस्तों, मुकाबला नहीं था, क्योंकि बच्चों को भी देना है। ये एक ये देखे, मैंने इनके साथ दर्द किया। इनको मैंने पीछे रख दिया, मैंने कहा मैं खा गया हूँ, इनको पता ही नहीं चला।
तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी गपशप ऐसे चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो आखिर में आप सबके लिए दुआ भी करना चाहते हैं, जा रहे हैं खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे। हमने ये क्या कहते हैं इसको, भरवा करेला, हाँ जी, या आप इसको बंद कहें या जो कुछ भी जैसी जबान में कहें, तो वो हमने आपको बनाकर दिखाया। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे और बहुत टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं। तो इंशाल्लाह कल अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आखिर में वही बात करेंगे कि आप हमारे साथ रहें, हमारे जो हमारी जो वीडियोज़ होती हैं उनको देखें और एड समेत देखा करें, क्योंकि वही एड्स हैं जिनका हमें थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। तो ऐड चलाया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।